The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business hua easy. झंझट से मुक्ति खाता बुक से दोस्ती खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। पहली सुर्खी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1,52,734 नए मामले सामने आए, 2,38,022 मरीज ठीक हुए और 3,128 मरीजों ने दम तोड़ा। इन्हें मिलाकर देश में अब कुल मामले हो गए हैं अब तक 2,80,47,534। ठीक हुए लोगों की संख्या है 2,56,92,342 और कुल 3,29,100 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा आंकड़ा सरकारी है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा से। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन, एक नया प्रधानमंत्री आवास और कई मंत्रालयों के लिए इमारतें बन रही हैं। सरकार का दावा है कि सुचारू प्रशासन के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है और आलोचकों की राय है कि ये एक ऐसी फिजूल खर्ची है जिससे बचा जा सकता था, खासकर कोविड महामारी के दौर में। जब राय में अंतर हो तो बात अदालत तक पहुंच जाती है कई दफा। यहां भी ऐसा हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण रोका जाए। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू मोटामाटी वही इलाका है जिसे हम राजपथ कहते हैं, जहां खुदाई की तस्वीरें बीते दिनों वायरल हुई थी। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले में फैसला देते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसका सार्वजनिक महत्व है, प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे मजदूर वहीं रहते हैं, नियम ऐसे निर्माण की छूट देते हैं जहां मजदूर निर्माण स्थल पर रहते हों। इन टिप्पणियों के बाद कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया और याचिकाकर्ता अनिया मल्होत्रा और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सोहेल हाशमी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा चुका है, लेकिन जिस कोविड के चलते राजधानी में मचे हाहाकार के बीच निर्माण चल रहा है उसके चलते सरकार की आलोचना हुई, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट के आज के फैसले से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। फैसला आने के बाद केंद्र में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं गिराया जाएगा। वैसे पुरी के बयान से असहमत होने वाले आपको बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को गिराया जाना है। तो बात यह है कि कौन किस इमारत को हेरिटेज मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। वैसे सेंट्रल विस्टा की बात चली है तो नेशनल म्यूजियम को लेकर एक और अपडेट, इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत शिफ्ट किया जाना है नई जगह नई इमारत में। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फिलहाल नेशनल म्यूजियम अपनी जगह बना रहेगा और इसे 2023 में भारत में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए तैयार किया जा रहा है, तब कई विदेशी मेहमानों के यहाँ आने की उम्मीद है। तीसरी सुर्खी जुड़ी है 12वीं की परीक्षा से। देश के दो बड़े बोर्ड CBSE और CISE इन परीक्षाओं को रद्द करेंगे या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ममता शर्मा की मांग थी परीक्षाएं रद्द हों। तर्क ये कि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा लेना तुरंत संभव नहीं, रिजल्ट में देरी होगी, बच्चों का नुकसान होगा, जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय का बहुत महत्व होता है। इस याचिका को लेकर केंद्र, CBSE और CISE अदालत में पेश हुए। CISE सुनने में आपको शायद थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जान लीजिए कि यही बोर्ड ICSE की परीक्षा करवाता है। पूरा नाम है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब मूल मामले पर लौटते हैं। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी कि वो 12वीं की परीक्षाएं करवाना चाहती है या नहीं। अदालत ने इस दलील को वजन देते हुए कहा कि ये केंद्र का अधिकार है कि वो फैसला ले, इसलिए समय दिया जाता है, लेकिन अगर केंद्र पिछले साल की नीति से हटकर कोई फैसला लेता है तो उसे पुख्ता कारण देने होंगे। माने कोर्ट उम्मीद कर रहा है कि केंद्र 2020-21 की मार्किंग पॉलिसी पर बना रहे। ये क्या थी समझ लेते हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब छात्रों की परीक्षाएं चल रही थी, कुछ छात्र पूरे पेपर दे पाए लेकिन ज्यादातर की परीक्षा अधर में लटक गई। तब CBSE ने जितने पेपर हुए उतने के आधार पर नतीजा घोषित किया था। जिन बच्चों ने सभी पेपर दिए उनकी मार्किंग सामान्य तरीके से, जिन बच्चों ने 3 से ज्यादा पेपर दिए उनके बचे हुए पेपर्स की गणना के लिए एक फार्मूला दिया गया, जिन 3 पेपर्स में सबसे ज्यादा नंबर आए उन सबका औसत निकालकर बचे हुए पेपर्स में नंबर चढ़ाए गए, जिन बच्चों ने 3 ही पेपर दिए उनके 2 पेपर्स के नंबरों का औसत बचे हुए पेपर्स में चढ़ाया गया। ये फॉर्मूला 10वीं और 12वीं दोनों के लिए था।
आज वैसे इस मामले में एक और पार्टी शामिल होना चाहती थी, वकीलों की संस्था यूथ बार एसोसिएशन। उसने एक इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल की थी जिसमें मांग की कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हों, क्योंकि CBSE 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुका है। अदालती सुनवाई से इतर भी जान लीजिए, CISE पहले ही अपने तहत आने वाले स्कूल से कह चुका है कि 12वीं के छात्रों के लिए 11वीं और 12वीं में अब तक हुई परीक्षाओं और इंटरनल असेसमेंट की औसत नंबर बोर्ड को 7 जून तक भेज दें। अभी ये तय नहीं है कि क्या बोर्ड इनके आधार पर ICSE के नतीजे जारी करेगा या कोर्ट के तरफ से या सरकार की तरफ से मिले फाइनल इशारे का इंतजार करेगा, जहां 3 जून को फिर से सुनवाई होनी है। वैसे इस पूरी अदालती कवायद में एक विपक्ष का एंगल भी है। टीकों को लेकर लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस ने परीक्षाओं को लेकर भी एक नारा दे दिया है, नो वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन, पहले टीका फिर एग्जाम। भारत में बच्चों को फिलहाल टीका नहीं लग रहा, ऐसे में टीकाकरण करवाकर परीक्षा करने का समय नहीं बचा है और बिना टीकाकरण ऑफलाइन परीक्षाएं विवाद का कारण बन सकती हैं, क्योंकि देश का तकरीबन पूरा मध्य वर्ग अपने बच्चों को CBSE और ICSE वाले बोर्ड में पढ़वाता है। केंद्र सोच समझकर ही इस पर फैसला लेगा। अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट पहले भी कह चुके हैं परीक्षाएं रद्द करके एक अल्टरनेटिव मार्किंग पॉलिसी भी लाई जा सकती है। चौथी सुर्खी जुड़ी है मेहुल चौकसी से। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोपी जो फरार चल रहा था, अब डोमिनिका में धर लिया गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें चौकसी एक जाली के पीछे था, हाथ पर चोट के निशान। रविवार शाम को एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने दावा किया कि मेहुल चौकसी अपनी प्रेमिका के साथ डोमिनिका पहुंचा था। एंटीगुआ और बारबुडा ही वो देश है जहां से मेहुल चौकसी गायब हुआ था। अब जैसे ही प्रेमिका शब्द का जिक्र आया, जुगुप्सा और कुंठा के मारे हमारे देश में कई तरह की बातें होने लगी। अब कुछ प्रेस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पकड़े जाते वक्त मेहुल के साथ एक महिला थी, लेकिन वो उसकी प्रेमिका नहीं थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के आधार पर दावा हुआ कि ये महिला उस दल का हिस्सा थी जिसने मेहुल को पकड़ा। चौकसी के वकीलों का भी दावा है कि उसे एंटीगुआ के अधिकारियों और कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ा जिनके संबंध भारत से थे। इन लोगों ने उसे कथित तौर पर अगवा किया, पीटा और फिर डोमिनिका ले गए, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने दावा किया कि महिला ने एंटीगुआ में मेहुल से दोस्ती कर ली थी और 23 मई को उसे एक अपार्टमेंट में मिलने बुलाया। जब मेहुल वहां पहुंचा तो उसे दबोच लिया गया। प्रेस रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए कुछ भारतीय एजेंट एंटीगुआ पहुंचे थे जो कि अब लौट चुके हैं। जिस यार्ड यानी कि नाव पर मेहुल को डोमिनिका ले जाया गया, वो भी ऑपरेशन में अपना हाथ होने से मुकर रही है। मेहुल का भांजा नीरव मोदी भी वैसे इस मामले में आरोपी है, फिलहाल लंदन की जेल में बंद है। भारत सरकार मेहुल और नीरव का प्रत्यर्पण करवाकर भारत लाने की कोशिश में लगी है। हाली अपडेट ये है कि मेहुल का कोविड टेस्ट हो गया है, नेगेटिव है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अदालती कार्रवाई भी कर रहा है, इसलिए नीरव की तरह उसे भी भारत लाने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। आखिरी सुर्खी जुड़ी है पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के बीच मची खींचतान से। केंद्र ने ममता सरकार के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया था। इस बात को लेकर कोलकाता में नाराजगी और हैरानी दोनों थी। रविवार को खबर आ रही थी कि बंदोपाध्याय सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा ही हुआ भी। अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा कि ऐसे नाजुक समय में पश्चिम बंगाल सरकार अपने चीफ सेक्रेटरी को रिलीज नहीं कर सकती, अतः सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करें। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने बंदोपाध्याय को रिलीज नहीं किया, ऐसा होने तक उन्हें अपने हालिया पद से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहना होगा। फिर खबर आई कि ममता बनर्जी ने एक नया ऐलान कर दिया कि बंदोपाध्याय रिटायर होने के बाद चीफ सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, उन्हें पश्चिम बंगाल के CM का नया चीफ एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब ममता अपने अफसर को दिल्ली नहीं भेजने का पूरा मन बना चुकी हैं। अब केंद्र कह रहा है कि नोटिस भेजा जाएगा अधिकारी को कि आपने यहाँ पर बुलाए जाने के बावजूद रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये रस्साकशी चल रही है, विच इज़ प्योर पॉलिटिक्स।